हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये क्लास टेंथ का ही टॉपिक है, जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसी का पार्ट है। तो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ये दोनों रिएक्शन अलग हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग है और रिडक्शन रिएक्शन अलग है। तो इन दोनों रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो या जिसमें ऑक्सीजन जोड़े, ठीक, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन या ऐसी ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव हो, यानी हाइड्रोजन हटे, तब हम कहेंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो, या फिर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात होती है रिएक्शन में, तो हम ये कहेंगे कि हाँ रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलो इसके हम आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल या रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, लेकिन कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इस साथ, लेकिन यहाँ पे जुड़ गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया। अब दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, बिल्कुल इसी का, ये पहली वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल ही हो गया। अब दूसरी वाले के लिए ये देखो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो सल्फर अलग निकल जाता है और वाटर अलग, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन था हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, लेकिन सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में हाइड्रोजन हट गया। तीसरी रिएक्शन में जिंक में क्या है, यह जिंक है, यहाँ पे जाके जिंक प्लस टू आयन बन गया और दो इलेक्ट्रॉन ले रहे, यानी कि यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पे 28 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहाँ पे प्लस टू का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन निकलना उतना ही चार्ज आ जाना। अगर किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर प्लस वन चार्ज आ गया, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलना है तो टू प्लस चार्ज आ गया, अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकलना है तो थ्री प्लस चार्ज आ गया। ऐसे जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकलते ही खाएं दो प्लस के चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इन तीनों में ही क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से समझ लीजिए, एक ऐसी रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। बस कॉमन बात यह है कि ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ऑक्सीजन ऐड ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों लॉस होंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ये याद रख लिया फिर ये कहानी बहुत आसान हो जाती है। अब इसके बाद हम सीखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की उल्टी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जहां ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन का रिमूव और इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो रहा था, वहीं रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा, इन दोनों का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूव होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, या ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो, या ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो, या ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का
एडिशन हो, अगर तीनों में से कोई भी बात होती है तो हम कहेंगे कि हाँ रिएक्शन रिड्यूस हो गई है, रिडक्शन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, चलो इनके हम आपको डेफिनेशन दिखवाते हैं। देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, हो गया बिल्कुल उल्टा ऑक्सीडेशन का, वहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पे रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरी, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, वहां पर रिमूव हो रही थी हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड हो रही है। और तीसरी, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है ये हाई उसकी ऑक्सीडेशन की बिल्कुल उल्टी है, ये भी बिल्कुल उल्टी है, तो रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट में यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का रिमूव हो गया तो रिडक्शन हो गया। सोडियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बना लिया, यानी कि यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे बिल्कुल हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो भी क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। यहाँ पे जेड एन प्लस टू आयन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन 28 इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही खन कितने हो गए, यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे 28 थे, अब यहाँ पे 30 हो गए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें दो इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, या फिर ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो भी हम रिडक्शन बोलते हैं, या ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन निकलती है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की बिल्कुल अपोजिट होती है, तो रिडक्शन रिएक्शन हमारी जो है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है। बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।